हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग M11 डिवाइस के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में दोस्तों बहुत सारे फ्रेंड कन्फ्यूज हैं। जब से दोस्तों सैमसंग M11 में एंड्रॉयड 12 का अपडेट आया है, तब से दोस्तों बहुत सारे फ्रेंड को लगता है कि जितने भी सैमसंग M11 में ये एप्लीकेशन है वो सब एप्लीकेशन दोस्तों पॉपअप व्यू, स्प्लिट स्क्रीन व्यू में ओपन हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, उनके दिमाग में ये कन्फ्यूजन छुपा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको इसके बारे में प्रैक्टिकल लाइव कर दिखाने वाले हैं कि आपके मोबाइल में ये सभी एप्लीकेशन स्प्लिट स्क्रीन व्यू में, पॉपअप व्यू में ओपन हो रही है या नहीं हो रही है। आपका दोस्तों तो आज की इस वीडियो में हम कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। इसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, यहां पर सबसे पहले मैं आपको कर दिखाता हूं प्ले स्टोर के बारे में। प्ले स्टोर हमारे मोबाइल में पॉपअप व्यू में, स्प्लिट स्क्रीन व्यू में ओपन हो पा रहा है या नहीं, यहां पर आपको मैं लाइव दिखाने वाला हूं। इसके लिए दोस्तों हम सबसे पहले रिसेंट में आते हैं, यहां पर दोस्तों ऊपर क्लिक करते हैं। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर आपको स्प्लिट स्क्रीन व्यू की ऑप्शन देखने को मिल जाती है, पॉपअप व्यू के ऑप्शन देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों हम ट्राई करते हैं, यहीं पर मैंने अपने मोबाइल की गैलरी को ओपन किया हुआ है, गैलरी में भी दोस्तों आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाती है। ऑलमोस्ट दोस्तों सारे यहां पर एप्लीकेशन में आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाती है। पहले आपके यूट्यूब में ये दोनों ऑप्शन देखने को मिलती थी। एंड्रॉयड 12 के अपडेट आने के बाद आप अपने मोबाइल के सभी एप्लीकेशन में इस फीचर का यूज कर सकते हो। यूज दोस्तों आपने कैसे करना है, सिंपली दोस्तों आपने यहां पर क्या करना है, अगर स्प्लिट स्क्रीन व्यू पे क्लिक करते हो तो यहां पर आपको दो स्क्रीन देखने को मिल जाती है। ऊपर आप दोस्तों जो एप्लीकेशन ओपन करे रहते हो वो आपको देखने को मिल जाता है, नीचे आप एक और एप्लीकेशन ओपन कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं हम पॉपअप व्यू के बारे में। पॉपअप व्यू में दोस्तों होता क्या है कि यहाँ पर अपनी मोबाइल की जो स्क्रीन है उसको दोस्तों आप एक और स्क्रीन को छोटा कर अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर यूज कर सकते हो। ये बहुत ही अमेजिंग फीचर है, यहाँ पर दोस्तों आप स्क्रीन को छोटा बड़ा भी कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये दोनों ही फीचर बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।